السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرين يا أيها الذين آمنوا رحمان کا أهل إيمان سے خطاب اس عنوان کے تحت یہ سریز چل رہی ہے اور اس سے پہلے آپ نے بہت سارے دروس سماعت في سلسلة وهم ايبر هاتين هي الله سبحانه وتعالى نيفرما الاني فرماي يا أيها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون الله فرماي يا أيها الذين آمنوا اي ايمان عليكم انفسكم ابن نفسك زاد خيالك لا يضركم من ضل اذا اهتديتم अगर तुम हिदायत पर हो तो अगर कोई शख्स गुमराह हो रहा है तो उसकी गुमराही तुमको नुकसान नहीं पहुँचाएगी इला ही मर्जी रकुम अल्ला ही की तरफ तुम सबका लौटना है फ़्यूनबी उकुम बिमाकुन तुम तमलून और अल्लाह ताला तुम्हें ख़बर देगा उन तमाम आमाल के बारे में जो तुम दुनिया में किया करते थे अल्लाह रबुलबिन ने इस आयत में सबसे वाज हुक्म जो दिया वो ये कि अनफुसकुम किन्फुसक ममल इज़ात दे तुम तुम अपने नफ्स का ख्याल रखो अगर तुम हिदायत पर रहो तो कोई शख्स गुमराह होता है तो तुम्हें वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा इस आयत का तीन अलमाय कराम ने अपनी तफासिर में और अपने अकौाल में जिक्र किया है पहला मफहमू यह है कि अल्लाह और बुराबी ने जो ये कहाफसकम कि अपने नफ्स का ख्याल रखो ये अल्लाह सुबह तक कहा कि जब इंसान अम्र बिलमूफ और न ही मुनकर का, का काम करें भलाई का हुक्म दें बुराई से रोकें और भलाई का हुक्म देने के बाद बुराई से रोकने के बाद अगर कोई शख्स भलाई पर नहीं आता या बुराई के काम से बाज़ नहीं आता तो फिर इस शख्स को यानी आमिर और नाही को कोई भी नुकसान पहुंचने वाला नहीं यानी अगर दाई दीन की खिदमत करता है लोगों को गलत काम से रोकता है लोगों को अच्छाई का हुक्म देता है और फिर उसके बाद लोग अच्छाई को कबूल नहीं करते बुराइयों पर इसरार करते हैं तो दाई को उसकी वजह से नुकसान नहीं पहुँचेगा बकर सिद्दीक रदील्ल तह ने एक मरतबा खुतबा दिया और आपने खुतबा में इर्शाद फरमाया कि अगो तुम लोग इस आयत को ग़लत मफहम में लेते हो कौन सी आयत अरेकुम लादुरदी तुम यानी तुम लोग ये समझते हो कि इस आयत में ये कहा गया है कि अमर बिल्माफ और नहीं आज मुनकर का काम करने की ज़रूरत नहीं है हालाँकि ऐसा नहीं है बल्कि अब बकरी रदील्ल तह ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई शख्स अल्लाह रब्लबीन के लिए भलाई का हुक्म नहीं देगा बुराई से नहीं रोकेगा तो अल्लाह सुबहान तब सब के सब को अजब में गिरफ्तार कर लेगा तोबूबकर सिद्दीक रजील् तैन ने जो इस आयत की तफसीर की उसका ख़ुलासा ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि इंसान को भलाई का हुक्म देना है बुराई से रोकना है अम्र बिल्माूफ और न ही आनकर का जो फरीज़ा है उस फरीज़े को अदा करना है इस फरीज़े को अदा करने के बाद अगर कोई शख्स हिदायत की तरफ़ नहीं आता बल्कि वो गुमराही पर ही पड़ा रहता है तो दाई को कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन अगर कोई शख्स अम्रबिल्माफ और नहीं मुनकर को छोड़ दे, सिर्फ अपनी इसल की फ़िक्र करें तो बकर सिद्दीक़ रज़ी तारण ने कहा कि यह दुरुस्त नहीं है ऐसी सूरत में अल्ला सुबह वा अगर गुनाह करने वालों के ऊपर आदब नाजिल करेगा तो उन लोगों के ऊपर भी आदाब नाजिल होगा जो गुनाह करने वाले को गुनाह करने से मना नहीं करते थे दूसरा मफहम इस आयत कामा ने यह बयान किया कि इस आयत में जो ये कहा गया कुमानफुम लदरकुम मंद तुम कि अपना ख्याल रखो अगर तुम हिदायत पर हो तो लोग गुमराह हो जाएँ तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा इसका माना यह है कि अगर अम्र बिलमूफ़ और न ही का काम करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए भलाई का हुक्म देने या बुराई से रोकने में किसी फितने का अंदेशा हो तो उस वक्त तुम अपने आप का ख्याल रखो अपने आप की असलाह कर लो अपने आप को सुधार लो दुरुस्त कर लो अपने आप को इबादत का पाबंद बना लो उसके बाद दुनिया गुमराह हो तो मैं उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अब्दुल्ला बिन मसूद अल्लाह रजियाल्लाहों से एक शख्स ने इस आयत के बारे में सवाल किया तो अब्दुल्ला बिन मसूद अल्लाह रजियाल्लाह ने कहा कि इस आयत के बारे में तुम सवाल कर रहे हो हालाँकि इस आयत में जो चीज़ें बयान की गई हैं वो चीज़ें अभी नहीं हैं बल्कि वो उस वक्त होंगी जब एक ऐसा ज़माना आएगा कि जब तुम अम्र बिल्माूफ और न ही आज मुनकर काम नहीं कर सकोगे और उस वक्त बिन मसूद रजी अल्लाह तनों ने यह फरमाया कि तुम मरूबिल्माफ वन होदिल मुन कर कि तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि तुम भलाई का हुक्म दो बुराई से रोको लेकिन अगर तुम्हें खौफ हो तलवार का या कोड़े का यानी फितने का अंदेशा हो कि अगर तुम किसी को अच्छाई की तरफ़ रागिब करने की कोशिश करोगे या बुराई से दूर करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें खुद फितने में मुबला कर देगा तो ऐसी सूरत में अदयुमसाकुम अपने आप का ख्याल रखो ना ला मन मंदल लाजातदी तुम दुनिया गुमराह हो जाए उससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा ये दूसरा महोम है जिसको अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी तारण ने बयान किया इसका ख़ुलासा ये है कि यहाँ पर जो अपने आप का ख्याल रखने का हुक्म दिया गया है वो ऐसे माहौल में है जब अमर बिलमारूफ और नहीं अदिल मिनकर का काम करना मुश्किल हो जाए जब भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने में फितने का अंदेशा हो तो ऐसी सूरत में इंसान अपने आप की असलाह करें अपनी फ़िक्र ज़्यादा करें और लोगों को छोड़ दें तीसरा जो मफहम बयान किया गया इस आयत का अली कल्फकम लदरकुम मंदम का इसका माना यह बयान किया गया कि इंसान सबसे पहले अपने नफ्स का ख्याल रखें अमर बिलमारूफ और नहीं अजिल मुनकर ये सानवी चीज़ है ये दूसरी चीज़ है ये दूसरा स्टेप है दूसरी मंजिल है सबसे पहले अल्लाह रबीन ने हम सबको अपनी असलाह का मुकलफ बनाया है अगर आप अपनी असलाह नहीं करते तो फिर आप दूसरों की असलाह कैसे करोगे आप अपनी असलाह कर लो दूसरे अपनी असलाह करने के वो खुद मुकलफ़ हैं अगर कोई दूसरा शख्स गुमराह होता है तो उसकी गुमराही के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन अगर आप गुमराह होते हो और आप सही रास्ते पर नहीं रहते हो सरात मुस्तकीम पर नहीं रहते हो तो अल्लाह व तआला आपसे सवाल करेगा और ये मफहम इस नाहिए से भी अहम है कि आज के ज़माने में जिस ज़माने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं अगर देखा जाए तो अक्सर वेशतर लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा फ़िक्र रखते हैं दूसरों की असलाह हो जाए दूसरे हिदायत की तरफ आ जाएँ दूसरे लोग नमाजों के पाबंद हो जाएँ दूसरे अशखास रोज़ों की पाबंदी करने लगें दूसरे लोग दुरुस् में शामिल हों दूसरे लोग खुतब जुमा में हाज़िर हो जाएं ये सारी बातें दूसरे लोगों के बारे में होती अपने बारे में कोई भी बात नहीं होती ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जो मसाजिद के जो ट्रस्टियान होते हैं मसाजिद को जो, जो जिम्मेदारान होते हैं उनकी जानब से एक जुमला बार बार सुनने में आता है कि हमें दावत का, का काम करना है ताकि दूसरे लोगों की असलाह हो ताकि दूसरे लोग हिदायत को कबूल करें और ऐसा होता है कि जब मसाजिद में प्रोग्राम मुनद किए जाते हैं तो सबसे पहले गायब रहने वाले अफराज िम्मेदारानी होते वो ये समझते हैं कि हम दूसरों की असलाह के मुकलफ़ बनाए गए अमर बिलमारूफ और न ही आदिर मुनकर का काम करने के मुकलफ़ बनाए गए हालाँकि ऐसा नहीं आपको सबसे पहले अपनी असलाह करनी आपको सबसे पहले खुद इल्म हासिल करने की फ़िक्र रखनी आप अगर मस्जिद में प्रोग्राम कराते हैं आप ज़िम्मेदार हैं और आप खुद उस प्रोग्राम में शरीक नहीं होते हैं तो फिर आप क्या पैगाम लोगों को देना चाहते हैं कि आप या तो खुद आलिम है आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है या खुद आप अपना तजकिया नहीं करना चाहते आप अपनी असलाह नहीं करना चाहते तो ऐसे लोगों के लिए या एहलन आ मनु अली कम अनफ वो लोगों जो ईमान ले के आए अपने नफ्स का ज़्यादा ख्याल रखा करो अपनी असलाह की ज़्यादा फ़िक्र किया करो लकुम लजा तदई तुम अगर तुम हिदायत पर हो दुनिया गुमराह हो जाए तुम्हें कोई भी नुकसान पहुँचने वाला नहीं है इला मरजियाँ उकुम उसके बाद अल्लाह ने फ़रमाया कि अल्लाह की तरफ तुम सब को नौटना है फ़्यूनब्बी उकम बिमाकुन तुम और तुम सब ने जो भी अमाल किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम अमाल के बारे में बाबर करेगा आइए एक और आयत हम अपने साथ जोड़ते हैं सूरह अनफाल की अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाया फ़रमायादी आन खून लाबरसूल वून अमान तुम ताल अल्लाह ने फरमाया अ ईमान वालों अ वो लोगों जो ईमान लेकर के आए ला تخونوا الله व तुम अल्लाह की खयानत ना करो रसूल की खयानत ना करो व त ख़ून और अपनी अमानतों की खयानत ना करो व अन तुम इस हाल में कि तुम जानते हो आगे अल्लाह ने फ़रमाया वमू अन नमवालकुम व अलाद कुम फितना व अन्ला इन दूँ अजरुन आदीम और इस बात को जान लो कि तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है और इस बात को भी याद रखो कि अल्लाह सुबहान ताल के पास अजर अज़ीम तैयार हैं ये दो आयतें जो आपके सामने मैंने पढ़ी हैं अनफ़ाल की आयात करीमा हैं अल्लाह हैंबुलबीन ने इन आयात में जिस वाक़े की तरफ इशारा किया है मैं उसको आपके सामने बयान करूँगा तो आयत का मफहम आपको ज़्यादा समझ में आएगा इस आयत के शान नज़ूल में दो वाकत और दो बातें जिक्र की गई पहला ये कि जब अल्लाह के रसूल सल्ला वसम पसंदो हिजरी में अबू सुफियन के काफ़िले को तलाश करने के लिए निकले जब अबू अबूसुफियान का काफ़िला शाम से तिजारत करके वापस आ रहा था और अपने साथ तजारती सामान लिए हुए था और उनके पास बहुत सारे और दिरहम थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की क़वत को ज़ाहिर करने के लिए उनके माल को लूट लेना चाहते थे अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम इस तलाश में थे कि अबू सफियान कहाँ हैं उनके बारे में पता चले चुनानचे हज़रत जबी सलाम ने आकर के नबी सला वसलम को ख़बर दी कि अबू सूफियान फ़लाँ जगह पर हैं लिहाजा आप मुसलमानों को बताइए कि हमें फ़ला जगह पर जाना है और इसको अपने दरमिया आप राज की तरह से रखें कोई शख्स इस खबर को जानने ना पाए ताकि अगर किसी शख्स को यह खबर मालूम हो गई वो ख़बर लीक कर देगा और अबू सुफियान उससे आगाह हो जाएंगे चुनानचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और उसमें मुनाफिक भी थे जिन्होंने जाहरी तौर पर इस्लाम तो कबूल किया था लेकिन बातनी तौर पर अभी भी वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन थे चुनान से उन मुनाफिक में से एक मुनाफिक ने अबू अबूसुफिया के पास ख़त लिखा और उनको बाखबर किया कि अल्लाह के रसूल सल अल्लाह वसल्लम मोहम्मद सल अल्लाह वसल्लम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं फुद व हिजरकुम लिहाजा तुम एहतियात कर लो इस मुनासबत से नब्बा नबी ने आयत नाज़िल फ़रमाई कि अए ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल की ख़ियात मत किया करो ये राज है जो नबी आई सला वसलम ने तुम्हारे साथ शेयर किया है इस राज़ की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है और फिर ये गजबे का मामला है जंग का मामला है जंग के मामलत में बड़ी संजीदगी बरतनी चाहिए एक एक बात को इंसान अपने पास राज बना करके रखे क्योंकि अगर कोई एक बात भी लीक हो गई तो इंसान जंग में हार सकता है जंग में उसको शिकस्त मिल सकती है लिहाजा यहाँ पर खयानत की गई थी तो इसलिए अल्लाह रबालबीन ने अल्लाह और उसके रसूल के खयानत करने से मना किया है बस बासल इन जैसे इमाम जोहरी रही वगैरह उन्होंने एक दूसरा सबब बयान किया है इस आयत के चुनानचे आप फरमाते हैं कि यह आयत जो है ये बनो कुरेज़ा वालों के बारे में नाजिल हुई असल में जब गज़ अहज़ाब हुई गज़वें खंदक हुई उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहब कराम को बिल्कुल मिटाने के लिए मक्का के मुश्किन ने बहुत सारे कबाइल को इकट्ठा किया और सारे क़बायल को लेकर के मदीना पहुँच गए नबी अली सलाम ने एक ख़ंदक खुदवा दी थी ताकि वो लोग उस खंदक को पार करके मदीना के अंदर दाखिल ना हो सकें इसी वजह से इस गे को गजवे ख़ंदक कहा जाता है और इसको गजव एहजाब भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे कबाइल नबी अली सलातलम और मुसलमानों को मारने के लिए पहुँच चुके थे अब जब ये जंग चल रही थी जब ये गजबा हुआ गजबतुलज़ाब उस वक्त जो मदीना के अंदर रहने वाले यहूदी कबाइल थे दो कबाइल थे बनु कैनक़ा और बनु क़ा तो बनु कुरेज़ा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखालफत की और उन लोगों ने पसपर्दा मशरकिन का साथ दिया और उनके साथ साठ गाँट कर ली उनके साथ वादा कर लिया कि जब वो मदीना के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो ये जो बनो क के जो यहूदी हैं ये मुसलमानों का साथ नहीं देंगे बल्कि मशरकिन का साथ देंगे और उनको दाखिल करने की उन लोगों ने कोशिशें भी की चुनान जब अल्लाह ताला ने उन कबाइल को एक आधी के ज़रिए से शिकस्त दे दी उन लोगों ने पड़ाव इख्तियार किया था अल्लाह सुबहान तक के ऊपर एक तेज़ आदि भेजी जिस आदि ने उनके बर्तन उलट दिए उस उनके खेमे टूट गए इधर उधर बिखर गए और वो लोग इस हालत में नहीं रहे कि अब वहाँ पर मुहासरा कर सकें चुनानचे यहीं पर उनकी शिकस्त हुई जब वो यहाँ से चले गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़रह उतार दी और आप ये समझने लगे कि अब जंग ख़त्म हो गई हज़रत जबरी आए और आ करके कहा कि अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम आपने अपनी ज़रह उतार दी आप समझते हैं कि जंग ख़त्म हो गई लेकिन मैंने अपनी ज़रह नहीं उतारी यानी अभी जंग बाकी है अब किससे जंग करना है? हैज़रत जबरी सलाम ने कहा कि इन लोगों से जो बनु क़ोरेज़ा के अफराद हैं इन लोगों से जंग करनी क्योंकि इन लोगों ने मुखालफत की है बदाहदी की है क्योंकि आप अली सलाम जब मदीना में आए थे तो इन लोगों के साथ एक सुलह किया था यहूदियों के साथ कि अगर तुम हमारे पास रहोगे तुम हमारे साथ रहोगे तो हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे तुम हमारी हिफाजत करना लेकिन यहाँ पर जब सारे मशरिक के कबाइल मदीना के ऊपर टूट पड़े तो इन लोगों ने पसे पर्दा मुसलमानों का साथ ना देने के बजाय मशरिक के साथ मुसाहत कर ली तो ये खयानत थी ये बदाहदी थी चुनानचे अल्लाह के रसूल सल्हु वसलम उनके पास गए लेकिन वहाँ पर जंग नहीं हुई उन लोगों ने सरेंडर कर दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि वो नबी सलाम के फ़ैसले पर आ जाएं आप जाएँ सलाम जो भी फ़ैसला करें वो उस फैसले को मान जाएं चुनान इसी को जब वो उनके पास गए तो अबू लुबाबा बिन अब्दुल मंदिर रजी ने उन लोगों से कहा कि तुम्हें अल्लाह के रसूल सलम के फैसले को मान लेना चाहिए उन्हीं के फैसले में तुम सबकी भलाई है तुम सब की बेहतरी है और साथ ही साथ उन्होंने गर्दन की तरफ़ इशारा किया कि यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला क्या है कि तुमको कत्ल कर दिया जाएगा हालांकि अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंदिर अब्दु अब्दु रजी अल्लाह तआला अनहु ने इंटेंशनली यानी असतन और इरादतन ये नहीं किया था लेकिन बस अचानक बात करते करते उन्होंने अपने हाथ से अपने गर्दन की तरफ़ इशारा किया यानी नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को तुम मानोगे तो वो फैसला क्या होगा कि तुम सबको कत्ल कर दिया जाएगा हालांकि आप अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब तक इस बात की वजाहत नहीं की थी कि इनको कत्ल किया जाएगा या इनको छोड़ दिया जाएगा बस आप अलीसरा सलाम ये चाहते थे कि मेरा जो भी फ़ैसला हो तुम फैसला मान जाओ चुनान्च जैसे ही अबू लुबाबा बिन अब्दुल मंजिर रजील तू को अपनी इस गलती का एहसास हुआ आप बहुत घबराए और आप इतना परेशान हुए कि आपने आ के अपने आप को मस्जिद नबी के सुतून के साथ बांध दिया और आप कहने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है अल्ला सुबहन तौबा करता हूँ और मैं उस वक्त तक अपने आप को मस्जिद के सुतून के साथ बाधा रखूँगा जब तक कि अल्लाह रबीर मेरी तोबा कबूल नहीं कर लेता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी इंतज़ार में थे कि अल्लाह ताला इनकी तौबा कबूल करे क्योंकि उनके साथ ये क्योंकि उनकी जानिब से ये गलत मामला हुआ है चुनाचे नौ दिन तक लगातार आप सतून से बधे रहें और आप इतने कमज़ोर हो गए थे कि आप के ऊपर बेहोशी तारी हो जाया करती थी और उसकी वजह से वो गिर गिर जाया करते थे नौ दिन के बाद अल्लाह व तआला ने अबू लबाबा बिन तह की तौबा कबूल की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहब कराम सब को मालूम हुआ कि अल्लाह ती की तोबा कबूल कर ली है सहाब कराम उनको बशारत देने के लिए खुशखबरी देने के लिए आगे आए और उनको खोलना चाहा तो अबू लबाबा बिन अब्दुल मंजिर रजी अल्लाह तआला तारहु ने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से ही खुलना चाहता हूँ में से कोई भी शख्स मेरे बंधनों को नहीं खोलेगा यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वही मेरे बंधन को खोल करके मुझे आज़ाद करेंगे आप तशरीफ़ लाए और आपने उनके बंधनों को खोला और उनको आज़ाद किया अल्लाह सुबहान मतारा ने जो उनकी तबा कबूल की अबू लुबाबा बिन अब्दुल मंदिर रजी अल्लाह तु इससे बहुत खुश थे और उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्लिन ने मेरी तोबा कबूल की है इसकी वजह से मैं अल्लाह रब्लिन के राह में सदका करना चाहता हूँ आप इजाज़त दीजिए कि मैं पूरा माल अल्लाह के राह में सदका कर दूँ तो नबी रजी सलाम ने फ़रमाया कि नहीं पूरा माल अल्लाह के राह में सदका करने की ज़रूरत नहीं है हाँ अगर तुम चाहते हो तो माल का एक तिहाई हिस्सा तुम अल्लाह के राह में सदक़ा कर सकते हो चुनान शबोलबा बिन अब्दुल मंदिर रजी अल्लाह तन ने माल का एक तिहाई हिस्सा अल्लाह रब्लिन के राह में खर्च कर दिया तो इस वाक़े की मुनासबत से इल्म कहते हैं कि आयत नाजिल हुई आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया या फरमायादी आमन ऐ वो लोगों जो ईमान लेकर के आए लातखन अल्लाह व रसूल अल्लाह की और रसूल की खयानत मत करो ये अल्लाह और उसके रसूल की खयानत है कि अल्लाह और उसके रसूल को ये बात तुम्हें बताएं और वो राज की बात हो और उसको तुम जा करके दुश्मनों के सामने जाहिर कर दो ये चीज़ें तुम्हारे लिए जायज़ नहीं वह खून व अमानात ही इसी तरह से तुम्हारे लिए ये भी जायज़ नहीं है कि तुम अपनी अमानतों में खयानत करो अब्दुल्लाह बिन अब्बास तआला तुम्हारा बयान फरमाते हैं कि अपनी अमानतों से मुराद वो फ़राइज़ हैं जिन फरायस का मकल्फ़ अल्लाह सुबहान हमें बनाया है जो फ़रायज़ अल्लाह रबालबी ने हम पर आयद किए हैं उन फरज़ की पाबंदी करना हमारे लिए लाजमी है लिहाजा वो भी अमानतें हैं अमानतों में भी ख़ानत करना हमारे लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है वतखून व अमानात ही को मनतमून यानी जानते बूझते अल्लाह की ख़ानत करना रसूल की ख़ानत करना और उन अमानात और उन फरयज़ की ख़ानत करना जो अल्लाह सुबहान ताल हमें दिए जो रसूल ने हमें बताए ये सब चीज़ें जायज़ और दुरुस्त नहीं उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वमू अनुकुम अवलादकुम फितना और इस बात को याद रखो कि तुम्हारा माल और तुम्हारे औलाद फितना है अब यहाँ पर माल और औलाद की फितने के बारे में क्यों जिक्र किया गया क्योंकि इससे पहले वाला जो मैंने वाक़ा बताया पहला जो सबब नजूल बताया कि किसी मुनाफिक ने अबू सफियन को ख़त लिख दिया था कि नबी अलीलाम तुम्हारे पीछे निकले हैं और उनके साथी तुम्हारे पीछे निकले हैं तुम एहतियात से काम लो तो उसने मुनाफिक ने क्यों ये खत लिखा था उसकी वजह ये रही थी कि अबू सुफियान मक्का के रहने वाले थे और मुनाफिकीन यानी मदीना के जो लोग थे उनके रिश्ते रिश्तेदारियां मक्का के अंदर थी वो मुनाफिक शख्स ये चाहता था कि मैं ये ख़त लिखूँगा तो अबू सुफियान मेरा एहसान मानेंगे और मेरे एहसान का बदला ये देंगे कि मेरे घर वालों की हिफाजत करेंगे मेरे माल की हिफाजत करेंगे इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि देखो तुम्हारा माल और तुम्हारे औलाद तुम्हारे लिए फितना है कभी माल की मोहब्बत में आकर के औलाद की मोहब्बत में आकर के इस तरह के काम मत किया करो अल्लाह और उसके रसूल से ख़यानत करना फ़रास में कोताही करना इसी तरह से मनहियात से ना बचना माल की वजह से औलाद की वजह से ये तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है ये चीज़ें तुम्हारे लिए आजमाइश हैं व अन्ला इन अजरुन अज़ीम और इस बात को याद रखो कि अगर तुम्हें दुनिया में इस तरह की हरकत करके कोई फ़ायदा मिल भी गया तो वो कोई दायमी फ़ायदा नहीं होगा बल्कि दायमी फ़ायदा क्या है कि अल्लाह पास तुम्हारे लिए अजर अज़ीम तैयार है तो अल्लाह रबी ने इस आयत के अंदर अहिल ईमान को अहम अहकाम दिए पहला हुक्म यह दिया कि अल्लाह और उसके रसूल के ख्यात करना तुम्हारे लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं दूसरा ये कि अल्लाह सुबहान तिन चीज़ों का पाबंद तुम्हें बनाया है उन चीज़ों का ख्याल रखो अल्ला ने फरमाया इलाम अन तोमानातः अल्लाह सुल्हान तैाली तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को उनके अहल की तरफ उनके हकदारों की तरफ सुपुर्द कर दिया करो जो अमानतें तुम्हारे पास हैं अमानत वालों के पास उनको पहुंचा दो अल्लाह की अमानत है उसको भी सही तौर पर अदा करो लोगों की अमानत तुम्हारे पास है उसको भी तुम सही तौर पर अदा करो दूसरी चीज़ अल्लाह सुल्हान मताल ने इस आयत में हमें यह बताई कि अमवान और औलाद ये इंसान के लिए कभी कभार फितना बन जाते हैं और इस चीज़ को अल्लाह रूरबी ने सुल तबाबन में भी ज़िक्र किया है और उसको भी यादी आमनऊ के साथ जिक्र किया अल्लाह ने फ़रमायादीन आनुमिन फ़ैजर अ वो लोगों जो ईमान ले करके आए तुम्हारी बास बीवियाँ और तुम्हारे बाज बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं फ़हज़रू हम लिहाजा तुम उनसे बचो व इन तफ़ू अ तस्फ़ुफ़ इन गफ़ोर हलीम अगर तुम अपने औलाद को माफ़ कर दो उनसे दरगुजर करो तो अल्लाह सुबहान तखशने वाला और बुरदवार है इन नम अमालद फितना तुम्हारे माल तुम्हारे औलाद तुम्हारे लिए फ़ितना है अजरुन अजीम और अल्लाह सुबहान तआला के पास अजर अज़ीम है फत्तकुल्लाह तकल्ला लिहाजा तुम जितनी ताक़त रखो अल्लाह व तआला से डरते रहा करो अल्लाह आलमीन ने इस आयत में यह बयान फ़रमाया कि तुम्हारी बास बीवियां और तुम्हारे बास बच्चे तुम्हारे लिए फितना बन जाते हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तनुमा ने इस आयत की तफसीर करते हुए फ़रमाया कि आयत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्का में रहने वाले बहुत सारे मुसलमान मदीना की तरफ हिजरत करना चाहते थे तो उनकी औलाद ने या उनको उनमें से बाज़ को उनके माल की मोहब्बत ने हिजरत करने से रोक दिया उनके घर वालों ने हिजरत करने से रोक दिया बीवी ने हिजरत करने से रोक दिया बच्चों ने रोक दिया कभी माल की मोहब्बत ने किसी को रोक दिया तो वो लोग शुरू में हिजरत नहीं कर पाए लेकिन जब मक्का फतह होने के बाद जब वो लोग मदीना आए और मदीना में आकर के उन्होंने देखा कि जो हमसे पहले जो मुसलमान हिजरत करके आए अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्म में उनसे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं वो इबादत में काफ़ी आगे जा चुके हैं अल्लाह रब्लबी का तकरब हासिल करने में उनसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं तो लिहाजा उन मुसलमानों को जो मक्का से हिजरत ना कर सके थे माल की वजह से या औलाद की वजह से उनको बड़ा टेंशन लाक हुआ और उन लोगों ने इरादा किया कि वो अपने औलाद को जा कर के अजाब देंगे उनको सज़ा देंगे अपनी बीवियों को जा कर के मारेंगे कि क्यों क्यों उनकी बीवियों ने उनको हिजरत नहीं करने दिया क्यों उनके बच्चों ने उनको हिजरत करने से रोके रखा मुसलमान जो पहले आए वो लोग तो बहुत आगे बढ़ गए अगर हम भी पहले हिजरत कर चुके होते तो हमारा भी वही आलम होता जैसे कि बाकी साहब कराम का आलम है अल्लाह तारा ने इसी मुनासिबत से आयत नाजिल फ़रमाई कि अय वो लोगों जो ईमान लेकर के आए इ नमिन अजवाजिकम अदूल फ़रूम तुम्हारी बास बीवियाँ तुम्हारे बास बच्चे वाकई तुम्हारे दुश्मन होते हैं लिहाजा तुम उनसे बचा करो व हलीम अगर तुम उनको माफ़ कर दो दरगुजर कर दो तो अल्लाह रबाली बख्शने वाला है और बुरदबार है यानी अब उनको सज़ा देने की ज़रूरत नहीं उनको माफ़ कर दो अल्लाह रब्लिन तुम्हारे इस गुनाह को और उनके इस गुनाह को माफ़ करेगा और फिर अल्लाह ने तमवी की कि देखना आगे भी ऐसा हो सकता है कि ये जो माल है और ये जो औलाद हैं यानी हमारे जो करीब रहने वाले लोग हैं बीवियाँ हैं औलाद हैं ये कभी कभार तुम्हारे लिए फितना बन जाते हैं लिहाजा कभी भी उनसे आगाह रहने की ज़रूरत है कभी भी इंसान उनकी जानब से मुतमिन नहीं हो सकता आज के ज़माने में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग अपने औलाद की मोहब्बत में आकर के हराम कमाई का कमाने पर मजबूर हैं बहुत सारे लोग अपनी बीवियों की मोहब्बत में आकर के उनकी बातों में आकर के अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ कर रहे हैं उनके बीवियाँ और उनके बच्चे उनके लिए फितना बने हुए हैं हमें इस आजमाइश को समझने की ज़रूरत है अल्लाह रब्लबीन ही हम सब का हामी और नासर हैं अल्लाह सुबह ही हमें रिस्क देने वाला है अल्लाह रब्लबीन ही हमें इस दुनिया में ज़िंदगी देता है वही चाहेगा तो आसानियाँ पैदा होंगी और वही चाहेगा तो मुश्किल दूर होंगी तो लिहाजा हमें अल्लाह रब्बालवीन को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए माल की मोहब्बत में आकर के औलाद की मोहब्बत में आकर के दीन को छोड़ देना ये चीज़ें मुनासिब नहीं हैं बहुत सारे लोग अपने घर वालों की मोहब्बत में आकर के सही मनहज को छोड़ देते हैं बहुत सारे लोग घर वालों की मोहब्बत में आकर के नमाज रोज़ों को छोड़ देते हैं बहुत सारे लोग अपने घर वालों की बातों में आकर के दाढ़ी रखना जो जिसको अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम वाजिब करार दिया है इन चीज़ों को भी छोड़ देते हैं लिहाजा ये आपके अमवान और ये आपके औलाद फितना है इनसे एहतियात बरतने की ज़रूरत है अल्ला रबीन से दुआ है कि लावी तो हम सबको को खैर के काम करने की तोफ़ी अताफ़रमा और हर तरह के शर और हर तरह के फ़ितने से हम सब के हिफाजत फरमा आमीन व आखरदबाना अलहमदल रबालमीन वसलम आलकम वाला वर्क ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें